अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद रजा खान, आप देख रहे हैं एजबैक्स इन्फॉर्मेटिव। तो भाई आज हमने दानिश भाई के सेटअप का विजिट करा है और माशाल्लाह इनके सेटअप पे जो है बजीज की काफ़ी म्यूटेशंस लगी हुई हैं और काफ़ी हेल्दी एक्टिव बर्ड्स हमें नज़र आए। साइज़ में भी काफ़ी अच्छे बर्ड्स हैं। आइए इनसे मालूम करते हैं कि बर्ड्स का शौक के कब से कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं दानिश भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करम है। दानिश भाई व्यूअर्स को सबसे पहले ये बताएं, बजीज का शौक आपको कब से हुआ? ये म्यूटेशंस में आप कब पड़े हुए? बर्ड्स कोई भी पालता है वो कहता है मैंने बजरी से शौक करा, तो आपने तो म्यूटेशंस लगाई हैं, ये बताएं व्यूअर्स। नहीं, मैंने जो शौक किया है ये 2020 से किया है, लॉकडाउन के मिड के अंदर। और मैंने कॉमन से ही स्टार्ट किया था कि मैंने पाइट वगैरह आम बजरी जो होते हैं ये उससे ही स्टार्ट किया था, तो वो दो जगहों से मैंने ये काम स्टार्ट किया था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने है जो भी है, बाकी आप देख सकते हैं इन सबको। और व्यूअर्स को मैं चाहूँगा कि शुरुआत ही बजरी से ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, चाहे वो फिर 2 लाख का बर्ड रखें या वो 5 लाख का रखें। ठीक है, तो इस टाइम अगर हम बात करें आपके पास कितने पेयर ब्रीड कर रहे हैं और कितने वैसे लगे हुए हैं? मेरे पास अभी तकरीबन टोटल 26 पेयर जो है ब्रीड कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी जो मैंने रखे हुए हैं जो शॉप के लिए आगे के लिए वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, और जो सेल के हैं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो व्यूअर्स को जो है बर्ड्स वगैरह दिखा दीजिए। जी मैं ज़रूर दिखाऊंगा, और जो पेयर्स हैं और उनके बच्चे भी जो हैं वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। चलिए ठीक है, सबसे पहले आप कौन सा पेयर दिखा रहे हैं? पहला पेयर है मेरा ये है। ठीक है, तो ये आपने कौन सा पेयर लगाया है? अच्छा, इसके अंदर जो है ये स्प्लिट टीसी भी है और पाइट की फीमेल है, तो ये एज अ वर्किंग के लिए भी है कि हमारे पास क्या बच्चे आने वाले हैं। तो आप बाकी आप कलर आप देख सकते हैं, तो इसके हमने काम किया है, आप देखते हैं बाकी क्या आता है, अल्लाह मालिक है। सही है, बाकी ये इसकी मटकी है और माशाल्लाह से इसके अंदर ये अभी माशाल्लाह से हैचिंग स्टार्ट हो चुकी है और एक बच्चा निकल आ गया है, तो बाकी अब आपको मैं नेक्स्ट मटकी की तरफ लेके चलता हूँ। जी तो दानिश भाई इस पेयर के बारे में बताएं कौन सा पेयर है? इसमें टर्क्वाइज का नर है। ठीक है, और किंग की मैंने इसमें फीमेल डाली है डोमिनेंट कॉमन ग्रीन में, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ उसकी वर्दी दिखाएं। बिल्कुल, यदि क्या आप माशाल्लाह से आप फीमेल चेक कर ही सकते हैं जी, साइज वगैरह और अंडे से दिए हैं, तो मैं थोड़ा इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो फिर अगला सेटअप जब इसके बच्चे निकल जाएंगे तो फिर आपको शो लाजमी कर पाऊंगा। ठीक है, अच्छा दानिश भाई हम देख रहे हैं माशाल्लाह हर बर्ड्स का आपके साइज बहुत अच्छा है, काफी इंक्रीज करा है बर्ड्स ने, इसके जो वजह है हम बाद में पूछेंगे, पहले आप ब्रीड वगैरह दिखा दें। जी वो मैं आपको लाजमी बताऊंगा कि मेरे साथ जो और जो कोई काम करना चाहता है तो उनको ये लाजमी बताऊं कि उनके लिए हेल्प हो और वो मार्केट में अच्छी कीमत पे ये बर्ड्स बेचें। बिल्कुल, तो आप कौन सा आप बर्ड्स दिखाना चाहेंगे व्यूअर्स को? ये सामने लगा हुआ है ये ऑपलाइन ग्रीन ऑपलाइन का नर है और रेड आई की मादा है, और नर जो है वो टीसीबी का स्प्लिट है। ठीक है, तो इसने कोई ब्रीड वगैरह करी आप? जरूर क्यों नहीं, सही है। जी तो ये बताएं दानिश भाई, ये ग्रीन ऑफलाइन का नर है जो टीसीबी का स्प्लिट है और रेड आई की फीमेल है, तो बाकी आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं, बच्चों का पोता वगैरह जो बहुत अच्छा भरा हुआ है। दूसरी चीज, कम से कम भी 5 बच्चे हैं और 3 एग जो है अभी बाकी हैं, तो अल्लाह ताला बरकत देगा तो इंशाल्लाह ये भी हैच होंगे इंशाल्लाह। जी तो दानिश भाई ये कौन सा पेयर लगा है आपके पास, व्यूअर्स को बताएं? अच्छा, इसमें जो मेल है वो होगो का स्प्लिट है ग्रीन अपलाइन, और फीमेल जो है वो वाइट टी सी लगाई है मैंने। ठीक है, तो इसमें कोई ब्रीड वगैरह? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह वो दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि इसमें माशाल्लाह से 5 बच्चे थे, एक फोस्टर कर दिया क्योंकि वो छोटे साइज का होता है तो वो अक्सर मर जाते हैं, तो हमें मरने वाला रेशो रोकना होता है, तो वो यही तरीका होता है जो उसके साइज में जो बच्चे के बराबर कोई मटकी हो तो हम उसी में उसको कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, यानी इसमें आपने बजरी में पोस्टिंग का सिलसिला भी आपका जारी है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, तो दानिश भाई इस पेयर के बारे में व्यूअर्स को बताएं। इसके अंदर टर्क्वाइज का नर है और वाइट टीसीबी की फीमेल है, और माशाल्लाह ब्रीड आई भी आपको हम दिखाते हैं। ये इसके बच्चे हैं, 4 बच्चे निकले हैं इसके, तो इसमें टीसीबी के भी हैं टर्क्वाइज के भी हैं, मिक्स हैं इसमें सब। अच्छा दानिश भाई मुझे एक बात बताएं, अक्सर मैं देखता हूँ ऑस्ट्रेलियन की ये इसमें जो है चिक्स एक्सपायर हो जाते हैं, क्या रीज़न होता है? देखिए सबसे चीज़ ये होती है कि उनसे मिस्टेक ये होती है कि अभी इस मटकी के अंदर बच्चे बड़े हैं,
ठीक है। अब इसके अंदर मैं अगर छोटे साइज का बच्चा डाल दूंगा तो अक्सर मादाएं उनको फीड नहीं करवाती हैं, वो इसकी वजह से ये भी होता है क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो खुद जो बड़े होते हैं तो वो आगे बढ़ रहे होते हैं दाना खाने के लिए, और छोटे बच्चे रह जाते हैं जिनकी वजह से उनको सर्दी लगती है या कोई उनको बीमारी हो जाती है ना खाने की वजह से कमज़ोर होते हैं तो वो एक्सपायर हो जाते हैं। बाकी कोई ऐसा कोई वायरस नहीं होता ना कोई ऐसा मामला होते हैं जिसकी वजह से बच्चे मर रहे होते हैं, वो एक अलग चीज़ है कि सारे बच्चे मर जाएँ तो फिर वो एक वायरस की कैटेगरी में आ जाता है। जी दानिश भाई, स्पेयर के बारे में बताएं। ये इसमें काई ऑफलाइन ग्रीन का नर है और टर्क्वाइज की फीमेल है, और नर जो है वो टीसीबी का एक्सक्लूसिव है। बाकी इसमें ब्रीड आई हुई मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है जी दानिश जी। ये भाई इसमें 6 बच्चे हैं माशाल्लाह से, और 6 के 6 इसके अपने हैं। तो आप इसमें सबसे पहले चीज़ ये नोट करें कि सबके सब तकरीबन बराबर एज के हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसमें हर कोई बच्चा कोशिश करेगा कि उसका पेटा जल्दी भरे। तो अब इसमें अगर मैं छोटा बच्चा रखता हूँ तो वो मादा कभी नहीं खिला पाएगी क्योंकि वो बच्चा ही उस मादा के पास नहीं आएगा कि वो फीड कर सके। ठीक है माशाल्लाह। एक एवरेज भी आप बताएं कितना आता है आपके पास एग्स और चिक्स का? काफ़ी 6-6 मैं देख रहा हूँ। देखिए मेरे पास टोटल 26, अगर मेरे पास 26 से 25 पेयर हैं तो ये समझ लें कि कम से कम भी 120 और या 122 बच्चे आते हैं, जिसमें से हमारे पास रेशो ऐसा भी होता है कि जिसमें एग्स भी ख़राब होते हैं बच्चे भी एक्सपायर होते हैं, तो 100+ तो लाजमी आते ही आते हैं जिसमें हमें एक अच्छा अमाउंट अवेलेबल हो जाता है मार्केट से। ठीक है जी। तो दानी भाई स्पेयर के बारे में आप बताएं। अच्छा इसमें मेल जो है वो डार्क कलर में टर्क्वाइज में है, गोल्डन में हेड के वो येलो हेड के अंदर, और फीमेल जो है वो गोल्डन हेड में वो भी टर्क्वाइज है। तो बाकी मैं आपको उसके बच्चे वगैरह, और ये क्योंकि ऐसा फोस्टर पेयर भी है इसके अपने बच्चे भी दिखाऊंगा, फोस्टिंग जो करवाएंगे वो बच्चे भी दिखाऊंगा। जी तो दानिश भाई बताएं। ये इस पेयर के बच्चे हैं, इसमें कुछ फोस्टर भी हैं, रेड आई भी हैं इसके। बाकी आप ये देखें जो इनके खिलाना पिलाना जो है और बच्चों के मतलब के खूबसूरती वगैरह आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल। और वजनदार बच्चे हैं, और ये कि आगे जाके ये अच्छी ब्रीड भी करेंगे और उनके बच्चे भी अच्छे होंगे, सबसे बड़ी चीज़ ये। जी दानिश भाई स्पेयर के बारे में थोड़ा सा। ये टर्क्वाइज का स्प्लिट है नर ऑफलाइन के अंदर, और फीमेल जो है हमने कॉमन डाली है, तो हमने एक ऐसा चेक के लिए भी देखा है कि क्या रिजल्ट आने वाला है, तो बच्चे दिखाता हूँ, इसमें बच्चे दिए हैं तो आपको ब्रीड चेक करवाता हूँ। जी तो माशाल्लाह व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं दानिश भाई के पास भरपूर चिक्स का जो है एवरेज आया। दानिश भाई ये बताएं क्या है? ये 6 बच्चे निकाले हैं इससे माशाल्लाह से, और इसमें आप देख रहे होंगे कुछ टीसीबी के बच्चों के हेड से ही पता चल गया कि इसमें टीसीबी के भी बच्चे निकल रहे हैं। तो बाकी हम देखते हैं आगे अल्लाह ताला किसमें क्या रंग डालता है, वो तो अल्लाह ही जानता है। बिल्कुल जी। तो दानिश भाई इस पेयर के बारे में बताएं। ये भाई इसके अंदर 2 जो है वॉलेट ऑफलाइन के गोल्डन हेड में नर है, ठीक है, और फीमेल जो है मैंने इसमें डाली हुई है, एक कॉमन ग्रीन डोमिनेंट है और एक ऑफलाइन की फीमेल है। तो इसकी ब्रीड आएंगी दोनों की माशाल्लाह से, मैं आपको 6 दिखाता हूँ। ठीक है। अच्छा दानी भाई इसके व्यूअर्स को एक बात बताएं, आपने रिंग्स पहनाए हैं, क्या वजह है रिंग्स की? इसकी ये वजह होती है सबसे पहले कि इसमें सिबलिंग पेयर नहीं होगा कभी, क्योंकि अभी मेरे पास इतने पेयर हैं, इनमें तकरीबन सब सेम हैं, बच्चे भी आते हैं, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि यार ये इस मटकी का है तो हम फलाना मटकी के साथ तो नहीं लगाएं या लगा सकें, क्योंकि वो भी अक्सर ही होता है कि हम घर के ही बच्चों को ब्रीड में लगाए हुए होते हैं, तो हमें ये आइडिया होना चाहिए कि सिबलिंग पेयर ना हो बस। ठीक है जी। तो दानिश भाई इसके बच्चे ये हैं जी। ये 6 बच्चे निकाले हैं इससे माशाल्लाह से, निकाले तो इसने 9 अंडे दिए थे। अच्छा। तो अब 3 हमने फोस्टर किए हैं और 6 हमने इसके नीचे रखे कि हमें वो आए। अब ये माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं साइज वगैरह भी और बच्चे की हेल्थ कलर वगैरह। ठीक है सही है माशाल्लाह। ये दूसरा पेयर जो मैंने आपको दिखाया है ये उसके बच्चे हैं, तो इसके अंदर ये आप माशाल्लाह दे सकते हैं, ये लेसिंग का बच्चा निकला हुआ है। ठीक है माशाल्लाह। ठीक है। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये टीसीबी की लेमन के अंदर बच्चा भी आया हुआ है। ठीक है। और इसी के अंदर ये रेड आई की, अच्छा इसमें 1-2 दाने पोस्टिंग के भी हैं। ठीक है। ठीक है। वो हमें क्रिस्टेड नज़र आ रहा है, ये इसी के ही बच्चा है, इसी पेयर का ही, क्योंकि इसकी माँ जो है वो क्रिस्टेड ही है। ठीक है। ये उसका बच्चा। पेयर के बारे में बताएं। ये पेयर है ऑफलाइन का नर है इसमें, ठीक है, और टीसीपी की फीमेल है, मगर फीमेल जो है थोड़ी मतलब के डैमेज में है कि इसका एक बाजू टूटा हुआ है, तो इसकी मैं ब्रीड दिखाता हूँ माशाल्लाह से आपको, वो दिखाता हूँ आप देखें। ये इसमें बच्चे ये इतने बच्चे निकाले हुए हैं माशाल्लाह से, 5 बच्चे हैं इसके। ठीक है। तो इसका रेशो भी बहुत अच्छा है, तो ऐसा ना क्या करें, अक्सर लोग बोलते हैं कि यार बाजू टूट गया है या मैं
तोता छोड़ दूँ, उड़ा दूँ, साइड में कर दूँ, नहीं, ये भी ब्रीड करते हैं, क्योंकि जिस तरह इंसानों में भी होता है हाथ जिसका नहीं होता या पैर नहीं होता तो वो भी बच्चे कर रहे होते हैं। सही है। तो दानिश भाई, इस बर्ड के बारे में बताएं, काफी यूनिक नजर आ रहा है। ये ऑपलाइन का नर है, ठीक है, और इसके साथ ये टीसीबी का स्प्लिट भी है, उसके साथ मैंने विजुअल टीसीबी की मादा डाली है, मगर वो किंग की फीमेल है, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, एग दिए हैं उसने जी। तो ये इसके चिक्स हैं जी, ये माशाल्लाह से फर्स्ट ब्रीड है इसकी। अच्छा, और ये दो बच्चे निकाले हैं और अभी तीन अंडे हैं, और आई थिंक के अंडे बिल्कुल सही हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझे बरकत दे मेरे काम में, तो इनमें से भी बच्चे निकलेंगे। आप ये फीमेल चेक करें और इसके हार वगैरह बहुत अच्छी और खूबसूरत फीमेल है जी। जी दानिश भाई, टी सी बी की हम मार्केट वैल्यू की बात करें तो इस टाइम पर पेयर क्या चल रहा होगा इसका? देखिए, टी सी बी एक ऐसा है जो आम जाल वाला या कोई परचेस नहीं करता, ठीक है, तो ये एक शौकीन बर्ड्स है जो लोग पसंद करते हैं अच्छी चीज़ को, खूबसूरत चीज़ बनाने के लिए, तो इसके अलग अलग प्राइस हैं, जिस तरह की क्वालिटी है वैसे पैसे हैं। तो मैं अगर नॉर्मल क्वालिटी का भी बेचता हूँ तो सेल करता हूँ तो कम से कम भी 600 रुपये पे यार, अगर वो एक अच्छी क्वालिटी में हार में और अपना खूबसूरती के अंदर ज़्यादा ऐड हो गई तो उसके फिर हम प्राइस अलग कर देते, तो कम से कम भी 1500 रुपये का जोड़ा अगर टी सी बी टर्क्वाइज का होना चाहिए, और हम मैं सेल भी करता हूँ अलहमदिल्ला। दानिश भाई, ये हमने व्यूअर्स को बर्ड्स की ब्रीड वगैरह दिखाई, व्यूअर्स सारी तो नहीं दिखा सकते, टाइम का इशू होता है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दानिश भाई, व्यूअर्स को बताएं ये इधर जो बर्ड्स रखे हुए कुछ ये क्यों हैं? अच्छा, ये जो बर्ड्स मेरे पास रखे हुए हैं, ये अभी जो हमारे पास जो कलर जा रहा है नया, तो ये वो चिक्स रखे हुए, तो इसमें ये सेल के भी हैं, और आने कोई अगर ऐसा हमारे पास कोई तोता निकलता है जो अच्छा आगे वर्किंग करेगा तो वो अपने पास स्टे करवाएंगे, इसलिए मैंने अपने लिए रखे हैं अगली ब्रीड के लिए। तो ये आप देख सकते हैं साइज़ के, जो अच्छे साइज़ में है और जो आने वाली नई म्यूटेशन के लिए वर्किंग के लिए रखे हैं, ठीक है, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे साइज़ में हमें नज़र आ रहे हैं ये जी। मैं आपको एक दो बर्ड दिखाता हूँ जो मैंने अपने लिए रखे हैं, तो चेक करवाता हूँ आपको जी। तो दानिश भाई, इस बर्ड के बारे में बताएं। देखें, ये मैंने एक आम नर को एक किंग की फीमेल से लगाया था, तो मेरे पास ये ग्रीन बच्चा आया, शायद आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अभी ये तैयारी में नहीं है, इसको टाइम लगेगा कम से कम भी एक साल, तो ये हम अपने ब्रीड के लिए हमने रखा है, तो ये आप चेक कर सकते हैं। सही है, माशाल्लाह हेल्दी और एक्टिव जो है ये पीस नज़र आ रहा है जी। जी, और भी आपको दिखाते हैं और भी शॉप करवाते हैं जी। तो दानिश भाई, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल कलर हमें जो है नज़र आ रहा है, बताएं। देखिए, ये एक होता है अपलाइन सीरीज में टीसीबी, एक होता है नॉन अपलाइन, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नॉन अपलाइन के अंदर एक अच्छे साइज़ का, मतलब ना मैं कोई किंग बोलूँगा ना इसको मैं अंडर साइज बोलूँगा, मगर ये मिड में है, तो ये आप क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं इसकी, माशाल्लाह से पैच वगैरह आप इसके चेक करें तो बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये हमारी नेक्स्ट ब्रीड के लिए, ठीक है। दानिश भाई, इसके बारे में बताएं। ये हमारे पास वाइट टीसी में नॉन अपलाइन का मेल है और अच्छे साइज में है, तो नेक्स्ट ब्रीड के लिए हमने रखा है, बाकी आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से, ठीक है। तो माशाल्लाह, ये आप अपने घर के जो बर्ड तैयार कर रहे हैं, आगे कितने पेयर आपके लगाने का जो है? मेरे पास आगे जो है इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी दी तो 50 पेयर और ऐड करूँगा मैं, ठीक है माशाल्लाह। तो बाकी मैं आपको एक और शो करवाता हूँ, तो वो आप देखें, दो हैं, दोनों का मैं और शो करवाता हूँ, ठीक है जी। दानिश भाई, इसके बारे में बताएं, ये भी आपने क्या अपने लिए रखा? ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी मैंने अपने लिए रखा हुआ है, तो ये भी किंग का, ये माशाल्लाह से पूरा किंग है हमारे पास, तो ये हमने नेक्स्ट ईयर के ब्रीड के लिए हमने रखा है, तो आप माशाल्लाह इसके साइज़ वगैरह देखें और फैदर वगैरह देखें, शाइनिंग कितनी है परों के अंदर और खूबसूरती आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल जी दानिश भाई, इसके बारे में बताएं। ये हमारे पास रिसेप्टिव का बच्चा निकला था, तो हमने इसको रोका तो ये बहुत अच्छे साइज में आया है माशाल्लाह से, बहुत अच्छे प्रिंट के अंदर है और साइज वगैरह बहुत अच्छा गेन कर रहा है, तो हम ये नेक्स्ट ब्रीड के लिए इसको भी रखा है, ये मेल है। अच्छा दानिश भाई, अब व्यूअर्स को ब्रीड हमने दिखा दी, बाकी तमाम म्यूटेशन हमने दिखा दिए, बस इसलिए बताइए साइज मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी इंक्रीज है आपके बर्ड्स का, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले चीज़ तो ये है कि इनकी खिलाई पिलाई हमारी बहुत अच्छी है और इनको हमने सेपरेट रखा हुआ है, उसमें ये होता है कि फीमेल और मेल जो है अपने बच्चे को भरपूर खिलाती है और उसको दाना मुकम्मल मिलता है, तो उसको मालूम होता है कि हमारे लिए दाना इतना रखा है, हम इसको भरपूर खा सकते हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये होती है। और बाकी ये कि अल्हम्दुलिल्लाह बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप अच्छे साइज़ में अगर आप पेयर लगाते हो तो अब ऑटो के ऊपर भी बच्चे अच्छे साइज़ के आते हैं हमारे।
ठीक है। और दानिश भाई माशाल्लाह मैंने देखे आपके पास 6 बच्चों का भी एवरेज आया, 7 भी कहीं नजर आए, तो ये बताइए कि इसके क्या ब्रीडिंग फार्मूला है, कोई मल्टी विटामिन आप यूज करवा रहे हैं जो इतनी अच्छी माशाल्लाह ब्रीड आ रही है आपके पास? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी यूज नहीं करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास सिर्फ जो नॉर्मल जो बर्ड्स खाते हैं सॉफ्ट फूड, गंदम हो गई, मकई हो गई, तो बस ये रेगुलर बेसिस पे जो हर एक ब्रीडर जो खिला रहा है वही है। बाकी इसमें 2-3 चीज़ें हैं वो फिर मैं आपको जाके आगे जब आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती रहेगी इस वजह से, तो ये कि अभी मेरे पास भी टाइम नहीं है, तो इंशाल्लाह फिर मैं आप आएंगे तो मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। ठीक है दानिश भाई, एंड में आप अपना नाम, कॉन्टैक्ट लोकेशन वगैरह बता दें ताकि कोई भी बर्ड्स परचेज करना चाहे तो ईजिली आपसे कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, मेरा नाम दानिश है और लोकेशन जो है मलिर सौदाबाद की है, ठीक है, और मोबाइल नंबर जो है मेरा 0345-83-999-22। तो ज़्यादातर मैं आपको मार्केट में भी मिलूँगा, लियाकत मार्केट में भी आता हूँ जो छोटी मार्केट लगती है, जब मेरे पास बर्ड्स कम होते हैं, और जब ज़्यादा होते हैं तो फिर मैं लालू खेत की मार्केट में जाता हूँ, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके संडे टू संडे मिल सकते हैं, इसके अलावा अदर डे नहीं मिल सकते। ठीक है, तो व्यूअर्स ये था माशाल्लाह दानिश भाई का सेटअप, बजीज म्यूटेशन की कोई वैरायटी लगी हुई थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे, बहुत सारे सवाल रहेगा इनसे वो हम करेंगे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती, और इसी तरीके से किसी भाई को भी सेटअप वगैरह की वीडियो बनवानी हो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं अपना कांटेक्ट नंबर दानिश भाई का दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बर्ड्स के सेटअप की हम वीडियो बनाते हैं, इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं, और जो है ये वाली वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।